हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस। हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली और अफूव व दरगुजर। मोर देन 1400 ईयर्स एगो इन अरेबिया पीपल लिव्ड इन फियर। 1400 साल से ज्यादा अरसा पहले अरब में लोग हिरासा रहते थे। दे वर अफ्रेड ऑफ देयर नेबर्स एंड अदर ट्राइब्स। वो अपने हमसायों और दूसरे कबीलों से खौफजदा थे। दे वर इवन अफ्रेड ऑफ देयर आइडल्स। हत्ता के वो अपने बुतों से भी खौफजदा थे। द अरेब्स वर्शिप्ड आइडल्स। अहले अरब बुतों की पूजा करते थे। इन देयर इग्नोरेंस दे वुड बरी देयर न्यूली बॉर्न डॉटर्स अलाइव। अपनी जहालत की वजह से वो अपनी नौमौलूद बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। एज इस्लाम बिगेन टू स्प्रेड अमंगस्ट द अरेब्स सच क्रूअल प्रैक्टिसेस स्टॉप्ड। जैसे ही इस्लाम अहले अरब में फैलना शुरू हुआ, ऐसे जालमाना तौर तरीके रुक गए। इस्लाम टीचेस लव एंड पीस। इस्लाम मोहब्बत और अमन का दर्स देता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ वाज अ वेरी काइंड एंड लविंग। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बहुत मेहरबान और प्यार करने वाले थे। ही ट्रीटेड एवरी वन यंग एंड ओल्ड विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवान और बूढ़े हर किसी से रहम दिली और इज्जत से पेश आते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्प्रेड द वर्ड ऑफ अल्लाह एंड चेंज द सोसाइटी पॉजिटिवली। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम फैलाया और मुआशरे को मस्बत अंदाज में बदल दिया। मैनी अरेब्स विद अ नेगेटिव थिंकिंग फेल्ट दैट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देयर ओल्ड आइडल्स एंड दे देमसेल्व्स वर लूजिंग पावर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की वजह से अरब के मनफी सोच रखने वाले बहुत से लोगों ने महसूस किया कि इनके पुराने बुत और वो खुद अपनी ताकत खो रहे थे। दे टर्न्ड अगेंस्ट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए। दे स्टार्टेड हैरेसिंग हिम इन एवरी पॉसिबल वे। उन्होंने हर मुमकिन तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खौफजदा करना शुरू कर दिया।